पेनल्टी को 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 6 पार्ट, कि आप नेक्स्ट टाइम कार देखने जाएंगे तो जिस तरह से स्टार रेटिंग आपके एसी में लगी होती है तो आपके कार के ऊपर लगी होगी स्टार रेटिंग, ये 5 स्टार है या 6 स्टार है या 2 स्टार है या 3 स्टार है। तो टोटल दीज आर 6 टाइप्स ऑफ पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट टू एनफोर्स एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी टू डेवलप कार्बन मार्केट्स इन इंडिया 1 अप्रैल। अब इश्यू ये है कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने तो स्टैंडर्ड्स बना लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई भी कर दिया। अब स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई, इनफैक्ट जो हमारा कोड है, बिल्डिंग कोड, एफिशिएंसी बिल्डिंग कोड जिसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, ECSBC, एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, चाहे नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने, एनर्जी एफिशिएंसी के भी नॉर्म्स नोटिफाई कर दिए, डायरेक्शंस भी दे दिया। व्हाट इफ समबडी डज नॉट, अ कंज्यूमर डज नॉट कंप्लाई विद देम, व्हाट हैपेंस टू द कंज्यूमर? कंज्यूमर का मतलब ये है, चाहे स्टील प्लांट हो गया, चाहे एल्यूमिनियम फैक्ट्री हो गई, चाहे रेलवे हो गया, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो गया, चाहे ओपन एक्सेस कंज्यूमर हो गया, चाहे कैप्टिव यूजर, जैसे कैप्टिव पावर प्लांट लगाया, कैप्टिव यूजर हो गया, इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी, देन इज देयर अ पेनल्टी, इज देयर अ पनिशमेंट? सो आंसर इज यस, द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट प्रोवाइड फॉर द पेनल्टी। पेनल्टी को 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 6 पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेनल्टी इज कि भाई अगर आपने ये 4 चीजें नहीं करी, नंबर 1, अगर आपने जो स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी कंजम्पशन बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर आपने उसको नहीं फॉलो करा, तब सेकेंड, अगर एनर्जी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है और एनर्जी ऑडिट आपने नहीं करवाया, अगर कंज्यूमर ने नहीं कराया, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर ने, थर्ड, अगर डेजिग्नेटेड कंज्यूमर को कोई इंफॉर्मेशन देनी थी और वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी गई, फोर्थ, अगर डेजिग्नेटेड कंज्यूमर को एनर्जी ऑडिटर और एनर्जी मैनेजर अपॉइंट करना था और उन्होंने नहीं करा, 4 नॉन कंप्लायंस की बात करी मैंने, अगर इन चारों में से कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है तो अप टू 10 लैक्स की पेनल्टी है अंडर कंजर्वेशन। अब ये 10 लैक्स की पेनल्टी, जब ये पेनल्टी लगा दी उसके बाद भी देर इज नॉन कंप्लायंस, देन 10,000 रुपीज फॉर एवरी डेज एंड कंटिन्यूअस फेलियर, 10 लाख अप टू 10 लैक्स की पेनल्टी है, एंड आफ्टर दैट देर इज नॉन कंप्लायंस, देन फॉर एवरी डे देर इज अ 10,000 रुपीज फॉर एवरी डेज फेलियर, जब तक कंटिन्यू रहे फेलियर। इन 4 चीजों के लिए ये पेनल्टी है। सेकेंड, सो फॉर एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी एफिशियंसी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड कि अप्लायंसेस जो हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टार रेटिंग 1, 2, 3, 4, और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो होने चाहिए कितने, कोई लेवल दे दिया स्टैंडर्ड्स का, एंड दैट स्टैंडर्ड इज नॉट फॉलोड बाय अ फैक्ट्री विच इज मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, सो समबडी हैज टू मैन्युफैक्चर अ एसी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट एसी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अ एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, दैट एफिशिएंसी स्टैंडर्ड इफ नॉट फॉलोड देन व्हाट इज द पेनल्टी? फर्स्ट इज 10 लाख रुपीज की पेनल्टी, मेन पेनल्टी। सेकेंड, जितने इक्विपमेंट बने हैं, मान लीजिए उन्होंने 100 AC बना लिए विदाउट कंप्लायंस टू द स्टैंडर्ड, देन पर एसी दे हैव टू पे अ पेनल्टी फ्रॉम 2,000 टू अप टू 5,000, मिनिमम 2,000 मैक्सिमम 5,000। अगर 1 लाख बना लिए तो इनटू आप 5,000 कर लो, ट्रेडेड वे की पेनल्टी फॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स या अप्लायंस मैन्युफैक्चर। अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है और व्हीकल है, कार आप लेते हैं ना, नाउ कार आर ऑल्सो इंक्लूडेड, सो इट विल नॉट बी अ सरप्राइज कि आप नेक्स्ट टाइम कार देखने जाएंगे तो जिस तरह से स्टार रेटिंग आपके एसी में लगी होती है तो आपके कार के ऊपर लगी होगी स्टार रेटिंग, ये 5 स्टार है या 6 स्टार है या 2 स्टार है या 3 स्टार है, बिकॉज नाउ अंडर द 2022 अमेंडमेंट एक्ट जो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स में व्हीकल्स भी आ गए हैं, अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट और कोई व्हीकल डज नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड्स देन व्हाट इज द पेनल्टी? नंबर 1, 10 लाख रुपीज तो है, 10 लाख के अलावा देयर इज एडिशनल पेनल्टी, जितनी व्हीकल्स बनी होंगी उसमें जितना लॉस हुआ होगा, जितनी एडिशनल ऑयल उन्होंने कंज्यूम करा, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री को कोई टारगेट दिया गया है
इंडस्ट्री का उस टारगेट से बियॉन्ड ऑयल कंजम्पशन है, या व्हीकल का कोई टारगेट दिया गया और उस व्हीकल का एवरेज या ऑयल कंजम्पशन बियॉन्ड दैट स्टैंडर्ड है, देन फॉर एवरी व्हीकल द प्राइस ऑफ एवरी मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट कंज्यूम्ड इन एक्सेस, सो व्हाट एवर एक्सेस ऑयल इज बीइंग कंज्यूम्ड मेट्रिक टन के हिसाब से, उतनी पेनल्टी एक इंडस्ट्री को और व्हीकल मैन्युफैक्चरर को देनी पड़ेगी। ऑल राइट, लेट अस अज्यूम द व्हीकल, ये तो इंडस्ट्री को देनी पड़ी है। अब व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने व्हीकल रिलीज भी कर दी, सोल्ड ऑफ भी कर दी, तो हर व्हीकल पे 25,000 से 50,000 एडिशनल पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो द कॉस्ट ऑफ इनएफिशियंट व्हीकल विल बी हाई। इट इज नॉट दैट दे कैन नॉट रिलीज, इफ दे रिलीज दोज व्हीकल्स एंड यू आर परचेजिंग दैट, यू हैव टू पे 50,000 एक्स्ट्रा रुपीज। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज एनी डायरेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, ये कंजम्पशन स्टैंडर्ड का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली अप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में और ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स में, और अब इसमें अपना कैप्टिव यूजर्स में, जो कैप्टिव पावर प्लांट लगाते हो आप उसमें कैप्टिव यूजर है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू देम टू फॉलो कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स। कंजम्पशन स्टैंडर्ड मतलब कैप्टिव पावर प्लांट को इतनी रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी कैप्टिव यूजर को इतनी रिन्यूएबल एनर्जी लेनी है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इतनी रिन्यूएबल एनर्जी लेनी है, ओपन एक्सेस कंज्यूमर को इतनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपलसरी है लेना। इट इज अ कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स। ऑल राइट, जिसको आप बोलते हो मिनिमम शेयर ऑफ कंजम्पशन ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और फीड स्टॉक। सो इसमें एनर्जी भी आ जाएगी, आपको सोलर एनर्जी लेना कंपलसरी है, विंड एनर्जी लेना कंपलसरी है, हाइड्रोजन एनर्जी कंपलसरी है। सिमिलरली फीड स्टॉक का मतलब ये हो गया कि आप कोल को रिप्लेस करो पैलेट से, बायोमास से रिप्लेस करो, वेस्ट टू वेल्थ, जो वेस्ट वेस्ट टू एनर्जी है वो वेस्ट से आप रिप्लेस करो। इसके स्टैंडर्ड को अगर किसी ने फॉलो नहीं करा तो पेनल्टी 10 लाख रुपए की लगेगी डिस्कॉम में और ओपन एक्सेस कंज्यूमर, अप टू ओपन एक्सेस कंज्यूमर या कैप्टिव यूजर में। सेकेंड, एडिशनल पेनल्टी ट्वाइस द प्राइस ऑफ एवरी मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट प्रिस्क्राइब्ड। सो जितना आपने फ्यूल लेना था, अगर आपने वो फ्यूल ओवर ले लिया है तो आपको ट्वाइस द प्राइस ऑफ एवरी मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट प्रिस्क्राइब्ड। अब ये कंफ्यूजन रहता है कि प्राइस ऑफ एवरी मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। इसके बाद एक और इश्यू आ रहा था कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो लोगोज हैं और नाम है, सम पीपल वर यूजिंग इट विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट एनी ऑथराइजेशन। कि इफ समबडी यूजेस द नेम ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और द सिंबल्स प्रोवाइडेड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो स्टार रेटिंग के सिंबल अगर किसी ने फॉल्सली लगा दिए, इन केस इन दैट केस 50,000 रुपीज की पेनल्टी है, प्लस अगर आफ्टर नोटिस इफ वॉयलेशन कंटिन्यूस देन 10,000 रुपीज पर डे की पेनल्टी चलती रहेगी सब्सिक्वेंटली। सो सब्सिक्वेंट नॉन कंप्लायंस पर डे पेनल्टी इज 10,000 रुपीज। तो टोटल दीज आर 6 टाइप्स ऑफ पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट टू एनफोर्स एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशियंसी, टू डेवलप कार्बन मार्केट्स इन इंडिया।